हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज व्लॉग टू स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो कि गोलगप्पा बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे गोलगप्पा बनाते हैं और खाते हैं लजीज गोलगप्पा घर पे विथ मी इन क्वारंटाइन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं गोलगप्पा बनाने का सामग्री। तो मेरे को इग्नोर कीजिए। ये नमक डाल रही हूँ। आई थिंक ये फ्रेम सही है। तो इसमें नमक हो गया, अब मैं गुनगुने पानी से मिक्स करूँ। जो मैं मैदा गुनने जा रही हूँ उसमें बेकिंग सोडा डालूँ थोड़ा सा। ये दो को मैं रख दूंगी 2 घंटा के लिए। देखिए ये रिवर्स वापस आएगा, तो यानी ये दो कड़ा बेलना है, कड़ा मतलब वो करना है। उसके बाद इसको आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तो 2 घंटे बाद में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आलू का बॉईल करके रखी हूँ, इसका फिलिंग बनाएंगे और प्याज और मिर्चा काट के रखी हूँ ये फिलिंग के लिए। अब मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कि इसके लिए पानी के लिए मैं इमली फुलाई हूँ। तो चलो, तो आप लोग को पता है कि पानी बहुत टाइप का बनता है, तो एक टाइप का इमली का भी पानी बनता है विद पुदीना। तो मैं अभी इमली का पानी फुला के रखी हूँ इसका पानी बनाने के लिए। इसमें और भी बहुत कुछ ऐड होता है, तो आपको दिखाएंगे आफ्टर सम टाइम्स। मैं इमली पानी बना रही हूँ, तो इस तरह से आपको इमली को मैश कर देना है। फुलाए हुए तो इजीली मैश हो जाएगा। जीरा डाल रहे हैं अभी हम इसमें, जस्ट 2 टेबलस्पून। और ये काला नमक अब ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे कटा हुआ मिर्चा रखा था और प्याज है, तो इस मिर्चा को मैं यहाँ से डाल रही हूँ और ये प्याज को भी थोड़ा सा प्याज रख रही हूँ पानी पूरी में डालने के लिए। ये जो क्या है इमली का पानी जो है, एक बल्ब निकाल के इसमें थोड़ा सा इसको डाल रही हूँ। अब इसको मैश कर दूंगी।
इतना डाल रहे क्योंकि और पानी डलेगा, दैट्स व्हाई। काला नमक हो गया है, अब इसमें आमचूर पाउडर डलेगा, तो इतना मैं आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ। ये जीरा पाउडर है, इसको थोड़ा इतना डाल देते हैं। ये पुदीना और चिल्ली का पेस्ट है, तो इसको भी मैं पूरा का पूरा डाल दे रही हूँ। इसको आप मिक्स कर दीजिए। इसमें और पानी ऐड करना है, इसमें इतना लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, हल्का ही डालना, ज़्यादा तीखा नहीं। आप तीखा के अनुसार, आप जितना तीखा खाते हैं उसके अनुसार आप ले सकते हैं, स्पून की मदद से आप इसको। ये स्ट्रेनर की मदद से आप इसका इसमें इमली डाल सकते हैं, इमली को पूरा स्ट्रेन कर लीजिए। थोड़ा दिखा बंद कर दो, बंद करके दिखाओ, बंद कर दे रहे। बता रही हूँ कि ये जो है फिलिंग है, आलू का फिलिंग जो मैं पानी पूरी में डालेगा, और ये है पानी पूरी यानी इमली का पानी, इमली का पानी है ये। और ये दोनों हो चुका है, अब चलते हैं पूरी बनाने के लिए। इसका कोई शेप एंड साइज नहीं है, ये इसको बस ऐसे बेलना है। ज्यादा भी पतला नहीं बनना है, आप देख सकते हैं कि मैं बेल चुकी हूँ। हम इसको कट करेंगे, एक गिलास है और इसकी मदद से। देखिए ये बेल चुके हैं, तो ये बेल चुके हैं,
तो ऐसे ही बेलना है और भी सब काट ले रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो इस तरह से बेल के निकाल लीजिए और इसको इस कपड़े की मरम्मत की से ढक दीजिएगा। बनकर दो जूली फूल गया। गाइज, ये मेरा पहला गोलगप्पा है जो कि मैं फर्स्ट टाइम ये बनाई हूँ अपने हाथ से। तो हो सकता है कि गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ मास्टर शेफ तो चल नहीं रहा है और ना ही कोई शेफ का प्रोग्राम है। तो अगर कोई भी गलती है हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट बार है गोलगप्पा बनाने के लिए, तो आप लोग के साथ मैं शेयर करती। अगर आप लोग को अच्छा तो लगा अगर आप लोग को भी बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।